गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में चैप्टर 8 विजयादशमी पढ़ेंगे। आप सभी अपने बुक को खोल लीजिए और साथ में देखिए अष्टमा पाठ आठवां पाठ विजयादशमी। विजयादशमी भारतीय जना उत्सव प्रिया भवन्ति। भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं। भारतीय उत्सवेशु विजयादशम्या सर्वथा महत्वपूर्ण स्थान विद्यते। भारतीय उत्सव में विजयादशमी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अयम उत्सव प्रतिवर्ष आश्विन मासस्य शुक्लपक्षे दशम्यां तिथौ भवति। यह उत्सव प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्लपक्ष की दशमी तिथि को होता है। हिंदी महीने में जो दिन होते हैं उनको दो पक्षों में बांटा जाता है। 15 दिनों के दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जिसमें उजाला होता है, कृष्ण पक्ष जिसमें अंधेरा होता है। इस प्रकार से महीने को 15 दिनों में भागा बांटा जाता है, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जो यह विजयादशमी का पर्व है, यह शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को मनाया जाता है। देखिए अयम उत्सव प्रतिवर्ष आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षे दशम्यां तिथौ भवति। यह उत्सव प्रतिवर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में दसवीं तिथि को होता है। अयम उत्सव केवल क्षत्रियाणाम उत्सव अस्ति इति संकीर्ण भाव परित्यज्य सर्वे अपि भारतीया परस्परं स्नेहेन सौहार्दभावेन च अस्य उत्सवस्य आयोजनं कुर्वन्ति। ऐसा कहा जाता है कि विजयदशमी का जो पर्व होता है वह क्षत्रियों का पर्व होता है, लेकिन यह जो सोच है वह बहुत ही छोटी सोच है। यह संकीर्ण भावना वाले लोग सोचते हैं। यह पर्व सभी के लिए होता है, किसी क्षत्रिय या किसी अन्य विशेष के लिए नहीं होता। यह हर एक भारतीयों के लिए है। देखिए अयम उत्सव केवल क्षत्रिय उत्सव अस्ति इति संकीर्ण भाव परित्यज्य। यह उत्सव केवल क्षत्रियों का उत्सव है, ऐसी संकीर्ण भाव छोटी सोच परित्यज्य मीन्स त्याग कर देना चाहिए। ऐसी छोटी भावना का त्याग कर देना चाहिए। सर्वे अपि भारतीय और सभी भारतीयों को परस्परम मीन्स आपस में स्नेहे प्रेम से सौहार्द भावे और प्रसन्नता भाव से अस्य उत्सव आयोजन कुर्वन्ति। इस उत्सव का आयोजन करना चाहिए। देखिए इस लाइन फिर से अयम उत्सव केवल क्षत्रियाणाम उत्सव अस्ति इति संकीर्णं भावं परित्यज्य सर्वे अपि भारतीया परस्परं स्नेहेन सौहार्द भावेन च अस्य उत्सवस्य आयोजनं कुर्वन्ति। यह उत्सव केवल क्षत्रियों का उत्सव है, ऐसी छोटी भाव को त्याग कर सभी भारतीयों को आपस में प्रेम और प्रसन्नता भाव से इस उत्सव का आयोजन करना चाहिए। अश्विन अवसरे भारतस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च रामलीलायाः आयोजनं भवति। अस्मिन् इस अवसर पर भारत के गांव गांव और नगर नगर में रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला द्रष्टुं रामकथां च श्रोतुं सर्वत्र महान जन समर्थः एकत्रः भवति। रामलीला को देखने के लिए, द्रष्टुं मीन्स देखने के लिए, श्रोतुं मीन्स सुनने के लिए, जन सम्मर्दः यानी लोगों की भीड़ एकत्र इकट्ठा होती है। देखिए रामलीला द्रष्टुं रामलीला को देखने के लिए 24 और रामकथा श्रोतुं रामकथा को सुनने के लिए सर्वत्र सभी जगह महान जन सम्मर्दः महान मीन्स बड़ी लोगों की भीड़ एकत्र इकट्ठा होती है। रामलीला को देखने और रामलीला को सुनने के लिए सभी जगह बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अयम उत्सव रावस्य विजयम प्रकटयति रावणस्य च पराजयम प्रकटयति मीन्स प्रकट करता है। यह उत्सव राम के विजय को और रावण के पराजय को प्रकट करता है यानी बताता है। अश्विन दिवसीय भारतीय शस्त्र पूजन कुर्वन्ति। इस दिन भारतीय शस्त्र की पूजा करते हैं। शस्त्र मीन्स हथियार। इस दिन भारतीय लोग हथियारों की पूजा करते हैं। जना काष्ठ निर्मिता रावण प्रतिमा प्रज्वालयन लोग लकड़ी और तिनके से निर्मित रावण की प्रतिमा को जलाते हैं, प्रज्वालयन के लिए जलाते हैं। काष्ठ मीन्स लकड़ी, तृण मीन्स तिनका यानी घास, निर्मिता निर्मित करके बना करके। देखिए फिर से लोग काठ यानी लकड़ी,
और घास से तिनके से रावण की प्रतिमा का निर्माण करके जलाती हैं। अस्मात् इयं महती शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये मूढ़ा जना स्वधर्म परित्यज्य अधर्मस्य अनुकरणं कुर्वन्ति तेषां इयम् एव दशा भवति। अस्मात् इयं यह महती शिक्षा महान शिक्षा अपि भी समुपलभ्यते मिलती है यत् कि ये जो मूढ़ा भी मूर्ख जना लोग स्वधर्म अपने धर्म का परित्याग करके अधर्मस्य अधर्म का अनुकरण करते हैं तेषां उनका इयम् एव दशा भवति ऐसी ही दशा होती है। देखिए साथियों अस्मात् इयं महती शिक्षा भी समुपलभ्यते यत् ये मूढ़ा जना स्वधर्म परित्यज्य अधर्मस्य अनुकरण कुर्वन्ति तेषां इयम् एव दशा भवति। इससे यह महाशिक्षा भी मिलती है कि जो मूर्ख व्यक्ति अपने धर्म का परित्याग करके अधर्म का अनुकरण करते हैं उनकी यही दशा होती है। अतः न केनापि जने स्वधर्म परित्याग्य कार्य केनापि मीन्स किसी भी जने लोगों को अतः इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए न मीन्स नहीं अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। विजयादशमी दिवसे नीलकंठ पक्षी दर्शनम शुभम मन्यते विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है मन्यते मीन्स माना जाता है। विजयादशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन शुभ माना जाता है। नीलकंठ दर्शनार्थम शिक्षिता अशिक्षिताश्च जना इतस्ततः परिभ्रमन्ति दर्शनार्थम मीन्स देखने के लिए शिक्षिता शिक्षित अशिक्षिता मीन्स अचित अशिक्षित यानी बिना पढ़े लिखे लोग शिक्षित मीन्स पढ़े लिखे लोग इतस्ततः मीन्स इधर उधर परिभ्रमन्ति घूमते हैं। देखिए नीलकंठ पक्षी के दर्शन के लिए नीलकंठ पक्षी को देखने के लिए शिक्षित और अशिक्षित लोग इधर उधर घूमते हैं। सर्वे भारतीय स्वधर्मस्य प्रार्पणेन संरक्षणं कर्तव्यम् संरक्षणं मीन्स संरक्षा कर्तव्य मीन्स करना चाहिए प्रार्पणेन प्राणों से भी बढ़कर सर्वे सभी देखिए सभी भारतीयों को अपने धर्म का प्राणों से भी बढ़कर रक्षा करनी चाहिए। कदाचितपि स्वधर्मस्य परित्याग्य मर्यादाया च उल्लंघनं न विधेयम् इति अस्य उत्सवस्य महान् सन्देशः अस्ति। कदाचितपि यानी कभी भी अपने धर्म का परित्याग और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए यह इस उत्सव का महान संदेश है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर विजयादशमी खत्म होता है। इस चैप्टर से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और अपने धर्म और मर्यादा का अच्छे से पालन करना चाहिए। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और इसके जितने भी एक्सरसाइज है उसको अपने बुक में ही फिल करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।